सुस्वागतम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, सलाम, प्रणाम, मेरे प्यारे बहन भाइयों, सी नारायण आपकी सेवा में, आपके खिदमत में उपस्थित हो गया भाई, लेकर दिन विशेष आज के यानी 18 दिसंबर के, जी हाँ मेरे भाइयों, जिसमें ऐतिहासिक घटनाएं, जन्मदिन, स्मृति दिन, आज का विचार और आज का सवाल, सब कुछ एक ही पैकेज में ज्ञानवर्धक, मनोरंजक और रोचक जानकारी से भरा एक ही पैकेज है भाई, जिसका नाम है दिन विशेष विद NGC यूट्यूब चैनल। तो भाई चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे बहनों भाइयों। तो शुरू करते हैं आज के दो विचारों के साथ आज का दिन विशेष। सबसे पहले पहला सुविचार, सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता, सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता कि उन्हें मंदिर जाना है या कब्र पर। इसलिए जिंदगी जैसी भी हो उसे हंसी खुशी से जीना चाहिए। जी हाँ मेरे भाइयों, बहुत ही बढ़िया सुविचार है भाई आज का ये सुविचार। फिर एक बार, सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता कि उन्हें मंदिर जाना है या कब्र पर। इसलिए जिंदगी जैसी भी हो हंसी खुशी से जीना चाहिए। दूसरा सुविचार, लक्ष्य तक पहुँचने के रास्ते मुश्किल हो जरूर हो सकते हैं मगर नामुमकिन कभी नहीं हो सकते। जी हाँ मेरे भाई, लक्ष्य तक पहुँचने के रास्ते मुश्किल ज़रूर हो सकते हैं लेकिन नामुमकिन कभी नहीं हो सकते। तो ये हुए भाई आज के दो सुविचार, प्रेरणादायी सुविचार। और अब आज का सवाल, सवाल तूफान भरा है भाई। आज का सवाल है कि कौन से देश में सबसे ज़्यादा तूफान आते हैं। जी हाँ मेरे भाइयों, ढूंढिए, सोचिए और अगर सवाल का जवाब ना मिला तो वीडियो पर अंत तक बने रहे, मैं हूँ ना भाई, अंत में इसका जवाब मैं दे दूँगा। तो भाई चलिए अब शुरू करते हैं दिन विशेष। आज विश्व प्रवासी दिन है, विश्व यात्रा दिन है और आज अल्पसंख्यक अधिकार दिन भी है और आज अरबी भाषा दिन भी है। तो भाई आज के दिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आज का दिन आपको मंगलमय शुभ रहे, यही शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज के दिन विशेष 18 दिसंबर के। और 18 दिसंबर की यही आज की ये है कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। सन 1271 में कुबली खान ने साम्राज्य का नाम युआन करके राजवंश शुरू किया। 1833 रशिया का राष्ट्रगीत गॉड सेव द झार पहली बार गाया गया। 1935 श्रीलंका में लंका सम समाज पार्टी की स्थापना हुई। 1958 दुनिया का पहला संचार उपग्रह प्रोजेक्ट स्कोर प्रक्षेपित किया गया। 1959 ब्रिटिश रॉयल नेवी में HMS हार्मिस ये युद्धनौका दाखिल हुई। 1978 डोमिनिक देश का संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश हुआ। 1989 सव्यासाची मुखर्जी देश के 20वें सरन्यायाधीश बने। 1995 पहला अंतर्राष्ट्रीय शांतता गांधी, महात्मा गांधी पुरस्कार तांजानिया के अध्यक्ष जूलियस नेरेरे इनको प्रदान किया गया। जी हाँ बहन भाइयों, पहला राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार। सन 2006 संयुक्त अरब अमीराती यानी UAE यहाँ पर पहली बार चुनाव लिए गए। 2016 भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने बेल्जियम को हराकर जूनियर वर्ल्ड हॉकी कप जीता। 1787 में न्यू जर्सी अमेरिका के संविधान का स्वीकार करने वाला तीसरा राज्य बना। 1916 पहला महायुद्ध वेर्दुन की लड़ाई में फ्रांस ने जर्मनी को हराया। 1945 उरुग्वे देश संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। 1969 इंग्लैंड ने मृत्युदंड की सजा समाप्त की। 1988 महिला विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेटों से हराकर लगातार तीसरी बार विश्व कप जीता।
1989 में सचिन तेंदुलकर ने अपने एक दिवसीय मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला, पहला मैच खेला भाई। 2007 में जापान ने इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण किया। 2008 ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। 2014 सबसे अधिक वजन का रॉकेट GSLV मार्क 3 इसका सफल परीक्षण किया गया। 2017 राष्ट्रकुल कुश्ती प्रतियोगिता में भारत ने 30 में से 29 स्वर्ण पदक जीते थे। सन 1398 सुल्तान नुसरत शाह इन्होंने दिल्ली पर कब्जा किया। 1642 समुद्री खोजी नाविक जिसका नाम था तस्मान न्यूजीलैंड के धरती पर उतरा और भाई न्यूजीलैंड के भूतपूर्व समुद्री तट का नाम तस्मानिया समुद्र भी कहा जाता है। 1849 विलियम बैंड ने टेलीस्कोप के द्वारा 1849 में विलियम बैंड ने टेलीस्कोप के द्वारा चांद की पहली फोटोग्राफ ली। 1865 अमेरिका में पहला निजी अहित कानून पारित किया गया। 1878 अल थानी परिवार कतर पर शासन करने वाला पहला परिवार बना। 1899 फील्ड मार्शल लॉर्ड रॉबर्ट्स दक्षिण अफ्रीका में पहले ब्रिटिश सर्वोच्च कमांडर नियुक्त किए गए। 1935 एडवर्ड बेंस चेकोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति बने। 1960 दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। 1966 शनि ग्रह के उपग्रह एफ मैथिल्स इसकी खोज की गई। 1973 में इस्लामिक बैंक की स्थापना हुई। तो ये हुए भाई आज की कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। अब आज के जन्मदिन देखते हैं जो है 18 दिसंबर के। पार्श्व गायिका कृष्णा कल्ले 1940 इंग्लिश अभिनेता डांसर कॉमेडियन जोसेफ ग्रिमाल्डी 1778 जर्मन चांसलर बिली ब्रांड 1913 क्रिकेट खिलाड़ी शंतनु सुगवेकर 1966 कवि सत्यमोहन वर्मा 1933 जर्मनी के संस्कृत विद्वान धर्म प्रसारक हेनरी रॉथ 1620 रशिया के राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष जोसेफ स्टालिन 1878 इलेक्ट्रॉन के शोध के लिए 1907 का नोबेल पारितोषिक जिन्हें मिला। ऐसे इंग्लिश भौतिक शास्त्री सर जे थॉमसन इनका जन्म 1856 में हुआ। भोजपुरी भाषा के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर 1887 एफएम रेडियो के संशोधक E.H. आर्मस्ट्रॉन्ग 1890 ड्रीम वर्क्स के सह संस्थापक स्टीवन स्पीलबर्ग 1946 उद्योगपति विजय माल्या 1955 क्रिकेट खिलाड़ी लालचंद राजपूत 1961 अमरीकी अभिनेता निर्माता ब्रैड पिट 1963 पत्रकार
बरखा दत्त 1971 स्पैनिश लॉन टेनिस खिलाड़ी। अरान ताक्सा संचेज विकारियो 1971 छत्तीसगढ़ के संत महाराज गुरु घासीदास 1756 भारतीय मुख्य न्यायाधीश ई एस वेंकटरामैया 1924 ये 19वें न्यायाधीश थे। कबड्डी खिलाड़ी काशीलिम अड़के 1992 शास्त्रीय गायक सुरेश हल्दानकर 1926 ये अभिनेता भी हैं। तो ये हुए भाई आज के जन्मदिन। अब आज के स्मृति दिन। फ्रेंच शास्त्रीय हाँ जी जीन बाप्तिस्ते लैमार्क 1829 भारतीय पाकिस्तान के धर्मगुरु जिनका नाम था अल्लामा रशीद तुराबी 1973 रशिया के एसएम एलेक्सी कोसिजिन 1980 क्रिकेट खिलाड़ी विजय हजारे 2004 में इनकी मृत्यु हुई। चेक रिपब्लिक के पहले अध्यक्ष हेवल वाकलाव 2011 चित्रकार सदानंद बकरे 2007 लोकसभा सदस्य मुकुट बिहारी लाल भार्गव 1980 फिल्म दिग्दर्शक राजा बारगीर ये मराठी है 1993 राष्ट्रीय कीर्तनकार कमलाकर बुआ औरंगाबादकर 1995 इतिहास संशोधक वैदिक संस्कृति के अभ्यासक जिनका नाम है मुरलीधर गोपाल गुलवनी 2000 पाकिस्तानी फिल्म स्कोर कंपोजर संगीतकार अब्दुल रशीद तथा रशीद अत्रे 1967 स्वतंत्रता सेनानी लेखक कवि गारी मेला सत्यनारायण 1952। तो ये हुए भाई आज के दिन विशेष। अब आज के सवाल का जवाब बाकी है। तो भाई सवाल ये था कि कौन से देश में सबसे ज़्यादा तूफान आते हैं, तो ये है फिलीपींस। जी हाँ, फिलीपींस ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा तूफान आते हैं। प्रशांत महासागर के पश्चिमी रिम पर गर्म समुद्र के पानी के एक विशाल विस्तार में ये बसा हुआ फिलीपींस देश है। उष्णकटिबंधीय तूफानों के लिए ये दुनिया में सबसे अधिक उजागर है। जी हाँ बहन भाइयों, 7000 से अधिक द्वीपों के साथ ये तटीय क्षेत्र में समुद्र तूफानों के लिए बहुत ही लोकप्रिय है, फेमस है, और ये पूरे तूफान के चपेट में आता है। तो ये पूरा देश तूफान की चपेट में रहता है। साथ में भाई चीन में भी टाइफून नाम का जो तूफान है ये सीजन पूरे साल तक रहता है, और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इसे भी सबसे अधिक तूफान का अनुभव वाला देश कहा जाता है, माना जाता है। तो लेकिन भाई फिलीपींस में सबसे ज़्यादा तूफान आता है। तो अधिक जानकारी के लिए भाई गूगल सर्च कीजिएगा, है ना, फटाफट आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। तो भाई अब लेता हूँ विदा। आज का दिन विशेष कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, ज़रूर भाई शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा आज की वीडियो को। और आज के इस चैनल पर आप नए हो तो ज़रूर भाई सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए लेता हूँ विदा, कल मिलने का करता हूँ वादा एक और नए दिन विशेष के साथ और नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए भाई आपके दोस्त सी नारायण को दीजिएगा आज्ञा, नमस्कार, सलाम, आदाब, प्रणाम।